बिग बॉस ओटीटी का ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो इस समय ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, और उनको लेकर जो बात ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे वो ये है कि भाई ये इकलौता ऐसा कंटेस्टेंट है जो पूरा का पूरा बिग बॉस ओटीटी का घर अपने दम पर चला रहा है। तो आखिर कौन है ये और किसका नाम इस लिस्ट में हमको आता हुआ दिख रहा है? और आपको बता दूं कि भाई जेन्युइनली ये जो कंटेस्टेंट है ये क्लियरली इस घर को, इस बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को डोमिनेट कर रहा है और प्योर कंटेंट देकर इस घर को रूल कर रहा है। तो आखिर कौन है ये, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कांदू। देखिए ऐसा है, अगर इस बार के बिग बॉस की बात करें तो जिस तरीके से बिग बॉस ओटीटी शुरू हुआ था, बहुत लोगों ने उम्मीदें जो लगाई थी बिग बॉस ओटीटी से, ओवरऑल कहीं ना कहीं उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। लेकिन जब से पुनीत सुपरस्टार का एविक्शन हुआ है चीज़ें बहुत ज़्यादा लो और बहुत ज़्यादा डाउन होती हुई दिख रही है। मतलब जिस लेवल का जो कॉन्टेंट पुनीत सुपरस्टार दे रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि लोगों को पसंद आ रहा था, और इनिशियली पुनीत सुपरस्टार का गेम जो है वो अप हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि शायद तक पुनीत सुपरस्टार को दोबारा से लाया जाएगा, उनका कमबैक करवाया जाएगा। और इस बार बिग बॉस ओटीटी में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे हमको देखने को मिले। नॉमिनेशंस में ऑलरेडी 4 कंटेस्टेंट है। देखने वाली बात है कि इस जो वीकेंड का वार आएगा उस पर कौन घर से बेघर होगा, कौन रुकेगा, कौन टिकेगा। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो कंटेस्टेंट की बात कर रहा हूँ इस समय इनके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें हो रही हैं और ऑलमोस्ट हर कोई इनके सपोर्ट में है। और आपको बता दूं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ मनीषा रानी की, तो कल जब बिग बॉस के घर में फेक अलर्ट का टास्क हुआ था, फेक अलर्ट का टास्क 24 आवर लाइफ में तो पहले ही हो गया था, एपिसोड में कल हुआ, तो जब ये फेक अलर्ट वाला टास्क हो रहा था तो सभी ने, मतलब अविनाश हो, पूजा हो, जिया हो, इन लोगों ने नाम लिया था, मनीषा रानी का नाम हमको सुनने को आया था। लेकिन उसके बाद एक चीज़ आकर सामने सबने कन्फ्रंट की थी। सबसे पहले अविनाश, जिया, इन लोगों ने बात बोली थी कि यार मनीषा का बिहेवियर ही वैसा है, वो फेक नहीं है। उसके बाद पूजा भट्ट ने भी चीज़ बोली कि वो फेक नहीं है, बिल्कुल भी वो लड़की फेक नहीं है, वो रियल है, अपना रियल सेल्फ दिखा रही है। और आपको बता दूं कि इस समय जो भी चीज़ें, मतलब चाहे वो फाइट हो, चाहे वो फेक कहना हो या खाने वाली बात हो, हर चीज़ मनीषा रानी के इर्द गिर्द ही घूम रही है, उनके ही आसपास घूम रही है। और इस समय अगर कोई बिग बॉस के घर में सच में सही मायनों में कंटेंट के वे में अगर डोमिनेट कर रहा है पूरा का पूरा बिग बॉस का घर और सबको, तो मनीषा रानी है। और प्रॉपर बोलते हैं ना, मनीषा को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई बिग बॉस जो है पिछले कुछ बिग बॉस के सीजन जो घोल कर पी कर आई हैं, तो जानती हैं कि किस तरीके से क्या करने पर कंटेंट मिलेगा, क्या करने पर कैमरा का फोकस उन पे रहेगा। और इस समय ट्विटर पे चीज़ ट्रेंड कर रही है। अभी मैं जस्ट एक ट्वीट देख कर आ रहा हूँ, दो तीन, मतलब 4-5 ट्वीट थे वैसे मनीषा रानी को रिलेटेड और हैशटैग उनका ट्रेंड कर रहा है। उसमें सीधे सीधे ही बात लिख के आ रही है कि इस बार अगर बिग बॉस ओटीटी का घर कोई डोमिनेट कर रहा है तो वो मनीषा रानी है। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।